स्वाभाविक है कि सामाजिक जीवन है, और सामाजिक जीवन में जब दो पक्षों में लड़ाई होगी और जब कोई मुखिया या कोई भी पंच व्यक्ति आएगा तो हम लोगों को उसी लिए दिया आएगा कि हम कहीं भी गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, और जब गलत का आवाज उठाइएगा तो जिसके खिलाफ आवाज उठेगा तो गाली देगा ही, वो तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। ये विवाद है बड़े जी चौहान और उनके भाई का मामला, और 50 वर्षों से ये मामला विवादित है। इस विवाद में, जमीन के विवाद में 10-10 मुकदमा चल रहा है दोनों पक्ष में। एक पक्ष प्रवीण चौहान जो है पेशे से वकील है, और वह लड़का 2 महीना पहले मेरे पास गया था। सामाजिक स्तर पे दोनों आदमी को बैठा करके हम लोगों ने नापी करवाया। नापी करवाने के बाद बड़े जी चौहान जो है वो रेलवे में नौकरी करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें 2 महीने का वक्त दीजिए। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि 2 महीने में बैठ करके मुकदमा का भी सेट आउट करवा दिया जाएगा और इन लोगों का विवाद भी निष्पादित कर दिया जाएगा। अब बड़े जी चौहान चूंकि बाहर चले गए हैं, अब बड़े जी के चौहान के परिवार में एक लड़का है छोटा सा, और उनकी पत्नी होते हैं लोग, उनकी पत्नी है, घर में कोई समांग नहीं है। और ये प्रवीण और प्रवीण के दोनों भाई, ये लोग भी हक हिस्सा के लिए लड़ाई भिड़ाई बहुत स्पीड में हुआ है लोग, क्योंकि हमको जानकारी हुआ। हम आए, हम बोले कि भाई साहब ये अभी नंबर नहीं करो, क्योंकि जब वो आएंगे उनके भी घर के गार्जियन आ जाएंगे, तुम बैठ के लड़ना ढूंढना बना ना। अब इन लोगों को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से पक्ष में है, हमने कहा इन लोगों का आरोप है नहीं, हम तो चार पांच लोग को लेकर आए हैं और डायरेक्ट। स्वाभाविक है कि जब हम मुखिया हैं गांव में जाएंगे तो अभी यहां देखिएगा तो 20 लोगों का हुजूम है, ये तो हो ही जाएगा ना। कहीं भी जाएंगे हल्ला गुल्ला तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अब लोग इकट्ठा हो गए, इसको ये लग रहा है कि मुखिया जी लेके आए तो इसका कोई इलाज है, और ऐसा आरोप तो लगता ही रहता है। हम तो अकेले आए हैं, और मेरा अपना 20 साल का रिकॉर्ड भी रहा है कि हम जहां जाते हैं मजबूती से उन चीजों पर आवाज उठाते हैं, और लोगों ने हमें मुखिया इसलिए ही बनाया है कि हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब हो सकता है कि हमारा आवाज उठाना इनको खराब लग रहा हो सकता है कि आरोप लगा रहे हो, तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबकी स्वतंत्रता है कहने के लिए आया है, आप भी है और ये 5-5 बार संघ के अध्यक्ष है, क्या होना चाहिए? 5-5 बार शासन के लोग आए, हमने यही कहा कि इन चीजों का निष्पादन सामाजिक लेवल पर जब दोनों पक्ष के लोग बैठोगे तभी निष्पादन है, विदाउट ऐसे लड़ते रह जाओगे निष्पादन नहीं है। हम बार बार यही अप्रोच हमने किया है कि बैठ करके समस्या का निष्पादन करो, यही मेरा अपना सोचना भी है, और मेरा ही नापी करवाया हुआ है, 50 साल में कभी नापी नहीं हुआ, मेरे ही पहल से इस जमीन का नापी हुआ, और प्रवीण ही जाकर के हमसे बात करवाया था तो निष्पादन हुआ। अब हमने अगर 2 महीना का वक्त लिया तो जो मामला 50 साल से बिगड़ा हुआ है, अगर 2 महीना वक्त मांग रहे तो कौन सा गलत है? और इसी में अगर इनको भी लगा कि हम भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, लड़ाई यही है। अब वहां एक सविता जो है इंदिरावास की घर बना रही है, वीडो औरत है, उसके साथ सहानुभूति है जो महिला बना रही है, अभी बना रहे थे, इनको लग रहा है कि वो बना रहे तो हम भी बना रहे थे, पूरा ये भी बनाना शुरू किया, मामला यही जैसे कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे, अब इन लोग को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से है, इन चीजों को भी हम स्वीकार लिए, इसलिए स्वीकार लिए कि जिसके घर में कोई गार्जियन नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो मुखिया होगा जो सरपंच होगा उसके तरफ से सहानुभूति जाएगी, आवाज उठाएगा, वही मामला है। इसलिए हमारे भाई को लग रहा है कि हम उधर से हैं इधर से नहीं है, तो ये तो मुखिया ये सामाजिक जीवन में लगा ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे, और हम जो भी बात करते हैं समाज के बीच में बात करते हैं, बंद कमरा में बात करने वाले नहीं है। तो तमाम जो हुआ है लोगों ने देखा है, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सब यहाँ के लोग देखे हैं। बाकी प्रवीण जो आरोप लगा रहे थे हमारे भाई है, उनका ये है अपना, उनका अधिकार है, हम पे आरोप लगाएंगे, आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समस्या का निष्पादन हो जाए, मेरा यही थीम है। और शासन के लोग 5 बार आए हैं, सीओ साहब के पास भी रिटेन में दिया गया है कि 1 महीना का वक्त दीजिए, और 1 महीना के वक्त के बाद भी इस तरह से हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दर्शा रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो अनपढ़ परिवार है आपके चाचा के लोग जो कमजोर परिवार है उनके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए था। और अगर दोनों परिवार का समस्या पढ़े लिखे और आप ही निष्पादित कर लेते, किसी मुखिया सरपंच की जरूरत थी, किसी गांव के लोगों की जरूरत थी, आप तो खुद ही बैठ के समझदार कर लेते, क्या जरूरत है हमारी? लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही, इससे वजह से मुखिया और सरपंच का आना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के यहाँ के हम लोग सेवा की, इस वजह से आना जाना लगा ही रहेगा और आरोप तो लगता ही रहेगा। मामला ये हमारे जमीन का पटीदार का, आधे का हम हिस्सेदार है, इसमें शेयर होल्डर है, ये लड़ाई काफी समय से चलती हुई आ रही है, लेकिन काफी समय से होने के बाद जैसे विवाद चल रहा है, विवाद हमारा काफी समय चल रहा है, तो मतलब 10-20 साल से ऊपर हो गया है विवाद चलते 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 चलते। लेकिन जिस हिसाब से मुखिया जी ने अपना बयान दिया था उसमें लगभग आधी चीजें उन्होंने झूठ बताई। आप अपना बताइए कि आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ ये है, मेरी जमीन है जिसके दस्तावेज मेरे पास प्रस्तुत है, जिसको मैंने साबित किया है कि इसका मैं शेयर होल्डर हूँ, और सीओ साहब को हमने दिखाया है जिसमें
बिहार सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार हमारा वो काबिल होते स्थापित होता है यहाँ के। सबसे पहले यही बताइए कि आपको जिसके साथ विवाद है कौन लगते हैं? वो लगते हैं हमारे बड़े पापा के वंशवंगा उसके लड़के हैं। तो जैसे ही आपका अगर कोई शेयर होल्डर होगा तो आपके बड़े पापा का भी इसमें हिस्सा होगा? जी बिल्कुल होगा। अब बताओ उसमें हिस्सा आधा आधे का है, लेकिन 20 साल पहले लगभग 18 साल पहले उन्होंने यहाँ पे आके जबरन कब्जा किया था। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पुराना घर जो 26 धूर का है तो कायदे से इनका 13 धूर हिस्सा वहाँ हुआ, जो सामाजिक रूप से कहने पे कहा कि 13 धूर इनका जो है मैंने यहाँ ज्यादा दे दीजिए, जो हमने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे हमें लड़ाने पर तारू रखे हैं, ऊपर से ईटा चलाते हैं, हमारा कभी काम होने नहीं देते और कभी भी इसकी आवाज उठाते हैं प्रशासन में कंप्लेन कर कार्रवाई होती है। आज लगभग वक्त 2 बजे का था, आज आपने यहाँ के स्थानीय मुखिया पर आरोप लगाया कि वो 4-5 लोग को लेकर आए हमारे घर में घुस गए मारपीट। जी जी इसके बारे में ये हम अपना काम कर रहे थे, ऊपर से हमारे दूसरे पक्ष की ओर से पथरा हुआ छत पर जिसकी वीडियो मैंने बनाई है और दूसरे पक्ष से काफी समय से ये मुखिया जी है उनके संपर्क में रहते हैं और काफी समय मेरे को क्लियरली बोल रहे थे वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ जो है जा नहीं सकता, भाईचारा है मेरा ठीक है उसके घर में जो भी है ठीक है, इनका भाईचारा वहां से ज्यादा है। हालांकि पहले भी इनकी बोल चल नहीं थी, मैंने ही करवाई, उसके बाद जो है यहाँ पर काम चालू किया। मैंने इनकी शिकायत पुलिस को दी जो मेरे ऊपर पथरा हुआ, 112 डायल किया, पुलिस को आने में हो सकते थोड़ा समय लग जाए लेकिन मैंने 6-7 बार कोशिश किया, लेकिन मुखिया जी ने ऐसा पूरे कानून लॉ एंड ऑर्डर पे टॉलरेट किया और उसको ऐसा अपने हिसाब से मॉड्यूल किया कि पुलिस को आने में लगभग 2:30 बजे की कॉल थी, अभी कुछ समय आप पहले देख ही रहे 3:30 से ऊपर का समय हो गया, मतलब पुलिस नहीं आई उससे पहले मुखिया जी 1.5 घंटे से बैठे हैं, डीएम एसपी सब पे इसकी जानकारी मैंने एसपी साहब को फुल उनके आवास पे फोन करके दिया है। जी पुलिस प्रशासन मुखिया जी के दबाव में है? मैं ऐसा नहीं कह रहा दबाव में, मेरा कहने का मतलब ये है मुझे लगता है कि मुखिया जी ने पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन को अपने हिसाब से अपने पावर का मिसयूज करके टॉलरेट किया है, टॉलरेट करके उनके ऊपर जैसा दबाव दिया, क्योंकि 112 डायल करने पे 5 मिनट की सर्विस होती है 10 मिनट की सर्विस होती है, किसी कारणवश कहीं फंस गए ऐसा क्या है मुखिया जी 1.5 घंटे बैठे हैं और पुलिस 1.5 घंटे बाद आ रही है। उसके बाद मुखिया जी ने धमकी भी दी यहाँ पे कुदारी उठाया मारने के लिए पूरे गांव के सामने, मुखिया भी कुदारी उठाए थे काटे में सबके, उनके डर से बोले कोई ना बोला, मेरे घर का सारा परिवार था और वहां 5-7 आदमी थे उसमें 3-4 लोगों ने शराब भी पी रखी थी और जबरदस्ती हमारे घर में मेरा कॉलर पकड़ के तेरे अंदर मारो बाहर कोई देख लेगा, और सबने उनको देखा और कहा कि 4 औरत बुला उसके ऊपर झूठा मुकदमा करके देखते छेड़छाड़ का और उसने मारपीट किया है, और जो हमारे घर में जिसमें इंजर्ड हुए हैं उनका कुछ भी नहीं देखा, उनको कहा कि मैं इनकी तरफ से खुला बोला सबके सामने कि मैं इनके पक्ष में हूँ, मैं इनके लोग और मैं गुंडा हूँ, और सबसे बात बड़ी बात और मुझे कई बार उन्होंने ऐसे बोला कि इसका आतंक है फ्रेंड इसने आतंकवादी है, इनके पास कोई सबूत हो इनके पास एसपी ने आतंकवादी बोल दिया टेररिस्ट बोल दिया, इसका कोई आतंकवादी कोई पुराना कोई माफिया से जुड़ा हो या किसी गैंग से जुड़ा हो। आप पैसे से वकील जी शिक्षित हैं जी, क्या मांग करेंगे या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से पहले तो ऐसे जनप्रतिनिधि है इनके ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, किसी को भी छोटे या कमजोर स्तर को लोगों को अपने हिसाब से मॉडुलेट करके उसको दबा के मार के ये जबरदस्त, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुझे मरवा दूंगा, तो इतना मेरी अंडरटेकिंग भी यही रहेगी कि जितना भी अगर मेरे परिवार के हत्या अगर तुझे उनका जिम्मेदार यही होंगे, पर हर जगह उन्होंने आदमी सेट कर रखे थे कि तुझे मरवा दूंगा। मेरा यही प्रश्न कि ऐसे प्रतिनिधियों के ऊपर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये किसी पक्ष से उठ के ये स्वाभाविक रूप से काम, और जिस हिसाब से इनका आरोप है कि मेरा आरोप लगते रहते हैं और ऐसा कोई बंद कमरे की बात नहीं है, ये रोड पे की बात है और लगभग 50 लोग इनके डर से या इनके फेवर में कोई ना बोले, मेरा घर परिवार था उन्होंने देखा है, अगर मेरे पास कुछ वीडियो भी सेट अगर उसमें कुछ फुटेज आएगी तो उसमें देखेंगे। हालांकि जो दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव हुआ था उसकी वीडियो भी मुझे क्लियर आ रही है, जिन्होंने आरोप लगाया कि हम इंजर है मार दिया उसकी क्लियर वीडियो है जिससे ये साबित होता है जिससे साफ प्रतीत हो रहा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया और हमारी ही जमीन में मेरे बाबा के नाम पे हम अपने शेयर में हिस्सा लगा करके वहां काम कर रहे थे, उसमें भी हमें रोकने की कोशिश करी सर फाड़ने की कोशिश करी चला के उनका निशाना नहीं लगा। प्रशासन से ये मांग रहे ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस हिसाब से छूट नहीं देना चाहिए कि अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मैनिपुलेट कर रखते उसको मोड़ सके और किसी के ऊपर किसी कमजोर आदमी के ऊपर मारपीट ना कर रहे और जबरदस्ती किसी की आवाज न दबा सके। मेरा नाम प्रवीण चौहान है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और ये गांव लखनऊ थाना मैरवा जिला सिवान,
और इसकी जानकारी मैंने एसपी साहब को दे दी थी। जब ये मुखिया जी ने अपना बयान दिया था कि इसको फंसा देंगे, मार देंगे किसी केस में मर्डर का, तो इसकी तुरंत मैंने सूचना मुखिया जी के बयान से पहले ही दे दी थी ताकि ये बाद में झूठ ना बोल सकें।